चलिए खबरें अब विस्तार से। तो दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि केंद्र और किसानों के बीच आज फिर से बैठक होगी। सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे दौरे की यह बैठक है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। इससे पहले भी 3 बार हो चुकी है किसानों के साथ बैठक। किसानों की मांगों पर नहीं निकला अभी तक कोई भी समाधान। तो यह दिल्ली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते अब चौथी बार बैठक होगी। इससे पहले भी 3 बार बैठकें हो चुकी हैं किसानों के साथ। तो किसानों की मांगों पर नहीं निकला है अभी तक कोई भी समाधान। दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। किसानों की मांगों पर अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला। चौथी बार दोबारा से बैठक होनी है। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। किसानों की मांगों पर अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जरा प्रबंधक उस तरफ देखें और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं आप कहीं पर भी नीचे बैठ जाइए। देश की 18वीं लोकसभा चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको ताकि भारत जुट जाना है, हर नए अधिवेशन में पहुंचना है, यहां हर लाभार्थी तक पहुंचना है और देश के हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता, सब लोगों के पास पहुंचना। अभिनंदन करता हूं। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। भाजपा का कार्यकर्ता और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। और आज मैं कल मुझे पदाधिकारियों के साथ बैठने का अवसर मिला, कल दोपहर के से आप सबके साथ बैठने का अवसर मिला। मैं नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को और आप सबको बधाई देता हूं। जब मैं पदाधिकारियों की बैठक में साल भर के काम का रिपोर्टिंग सुन रहा था, मैं सचमुच में इतना प्रभावित हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता सत्ता में रहने के बावजूद भी समाज के लिए इतना करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, संकटों के बीच भी करते हैं और सिर्फ भारत मां की जय के लिए करते हैं। मां की जय के लिए करते हैं। ये 2 दिन भी जो चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे संकल्प को दृढ़ करने वाली हर बातें हुई है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए, प्रेरक विषयों के लिए आप सबको भी, देश भर के कार्यकर्ताओं को भी,
नड्डा जी के माध्यम से सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके समलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में है, हम सभी शोक में हैं, और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछले 50 से भी ज्यादा वर्षों से मुझे देश के गणमान्य आध्यात्मिक मूर्तियों के निकट रहने का, उनके आशीर्वाद पाने का अवसर रहा है, और इसलिए मैं उस आध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भलीभांति जानता हूं, समझता हूं, अनुभव करता हूं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे, उनका जीवन कैसा होता है हम जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण किसी काम में मेरा संबंध आया हो, 24 घंटे के भीतर भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था। यानी कितने जागरूक थे। और अपनी विराट आध्यात्मिक यात्रा और उसके बाद भी वो हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं, जीवन भर उतनी सौम्यता के साथ उनका लोगों को मिलना, उन्होंने हमारे युवाओं को परंपराओं से जोड़ा, गरीबों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई, उनका पूरा जीवन उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा जैसा है जिसने गरीबों और वंचितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है। आज जब भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि उनके सिद्धांत और उनका आशीर्वाद ऐसे ही भारत भूमि को प्रेरणा देता रहेंगे। साथियों, पिछले 10 वर्षों में
भारत ने जो गति हासिल की है, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो हौसला पाया है, यह अभूतपूर्व है साथियों। और इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, दुनिया गाजे बाजे के साथ बोल रही है। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। और ये हमारा सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है। और इसमें अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। लेकिन भाइयों और बहनों, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में भाजपा की जोरदार वापसी। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। साथियों, कई बार लोग मुझसे कहते हैं मुझे कहते रहते कि अरे मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ क्या कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए, अब क्यों इतनी भागदौड़ करनी है। साथियों, पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। पूरा देश मानता है हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। पूरा देश मानता है हमने गरीब और मिडिल क्लास का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि बहुत हो गया, ऐसा सोचने वालों को मैं एक पुरानी घटना जरूर बताना चाहूंगा। एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले मेरे प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल पे, बोले मोदी जी प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, आप बन गए, आपने इतने दशकों के संगठन का भी काम कर लिया, मुख्यमंत्री के रूप में भी इतना लंबा समय रह चुके, प्रधानमंत्री में भी दोबारा आ गए, अब इतना काम पा लिया है, अब तो थोड़ा बैठो आराम करो, बहुत कर लिया, ये उन्होंने मुझे कहा था। उनकी वो भावना
राजनीति के पुराने अनुभवों से थी। लेकिन साथियों, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं। 10 वर्षों में हमने जो हासिल किया साथियों, वो तो एक पड़ाव मात्र है। मंजिल तक पहुंचने का एक नया विश्वास है। अभी हमें देश के लिए, कोटि कोटि भारतीयों के लिए, हर भारतीय का जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ हासिल करने का सपने है, संकल्प है, और उसके लिए बहुत से निर्णय भी बाकी है। साथियों, आज भाजपा युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान की शक्ति को विकसित भारत के निर्माण की शक्ति बना रहा है। पहले लोगों को लगता था कि सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। हमने सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय की भावना से हर व्यवस्था को पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच से बाहर निकाला है। जिनको किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा है। इतना ही नहीं, हमने उसको पूजा है। आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों को पहले किसी ने नहीं पूछा, हमने उनके लिए पीएम जनमन योजना बनाई। लाखों विश्वकर्मा परिवारों को किसी ने नहीं पूछा, हमने उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई। रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले लाखों साथियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, हमने उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई। साथियों, पहले की सरकारों ने महिलाओं के हितों की, उनके जीवन में आ रही परेशानियों की भी कभी चिंता नहीं की। हमारे यहां बेटियों को गर्भ में ही मार डालने की कितनी विराट समस्या थी। हमने इसके लिए हमने सामाजिक चेतना साथ साथ कड़े कानून दोनों का सहारा लिया। पहली बार देश में
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक जन आंदोलन चला, जिसका एक बहुत ही सार्थक प्रभाव हुआ। हमने बालिकाओं के महिलाओं के पोषण पर विशेष बल दिया, हमने पोषण अभियान चलाया ताकि गर्भवती महिलाओं को उचित मदद मिल सके। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। गर्भ के समय महिलाओं को उचित पोषण मिले, इसके लिए मातृ वंदना योजना के तहत 3.25 करोड़ से अधिक बहनों को सीधी मदद दी। हमने सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत लगभग 5 करोड़ गर्भवती महिलाओं को हेल्थ चेकअप किया। प्रयास यही था कि माता और शिशु दोनों के जीवन पर पहले जो खतरे रहते थे उन्हें कम किया जा सके। 2014 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर कितनी चिंताएं होती थी, हर कोई चिंतित रहता था। हमने रैप बलात्कार ऐसे अपराधों को संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की। ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो इसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं बनाई। साथियों, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने शौचालय जैसे विषय को लाल किले से उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।